राकंबा प्रमुख शरद पवार बोले, महाविकास अघाड़ी को मिलकर लड़ना चाहिए 2024 का विधानसभा चुनाव। राकंबा प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों शिवसेना, राकंबा और कांग्रेस को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन इस पर निर्णय सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही लिया जाएगा। वह औरंगाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों का नाम बदलने के निर्णय पर उन्होंने कहा कि यह मुद्दा महाविकास अघाड़ी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, उन्हें इसका पता बाद में चला। मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी पार्टी के लोगों ने अपनी राय व्यक्त की थी, लेकिन यह उद्धव ठाकरे का स्वयं का निर्णय था, इस पर उनकी कोई राय नहीं ली गई थी। पवार ने कहा कि यदि औरंगाबाद की भलाई के लिए कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो लोग खुशी का अनुभव करेंगे। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि वे बगावत करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाए हैं। कभी वे हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं तो कभी फंड के बारे में। राज्य में नई सरकार कितने समय तक रहेगी पर सीधी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि देखते हैं कि यह सरकार किस तरह से निर्णय लेती है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि खराब स्वास्थ्य के चलते उनका कार्य प्रभावित हुआ है। गोवा में कुछ कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने के कयासों पर पवार ने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो हुआ उसको कैसे कोई भूल सकता है। अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले पर पवार ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सर्वोच्च अदालत ही अब फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है। उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। खबरों पर पवार ने कहा कि मैं नहीं मानता कि उद्धव ठाकरे भाजपा के पास जाएंगे।